दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में हार के बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में टीम इंडिया के अंदर काफी सारे बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ जहां काफी समय बाद टीम इंडिया में रविचंद्र अश्विन की जगह एक बार फिर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की वापसी हुई है, तो वहीं अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मेंटोर के तौर पर अहमदाबाद जा सकते हैं और उन्होंने हार्दिक पांड्या के वापसी के ऊपर अपना एक बयान भी दिया है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में से बेहतरीन आईपीएल कप्तान कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 6 फरवरी से टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला का पहला एक दिवसीय मुकाबला खेलेगी जिसके लिए वेस्टइंडीज की टीम भी भारत पहुंच चुकी है। वहीं टीम इंडिया भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार टीम इंडिया में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। एक तरफ जहां अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो वहीं उनकी जगह चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की वापसी हुई है। वहीं घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दीपक हुड्डा और युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की भी भारतीय टीम में एंट्री हुई है। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय टीम के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर के तौर पर अहमदाबाद भेज सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एक बेहतरीन फैसला साबित होने वाला है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतरीन कप्तान के साथ साथ खिलाड़ियों को काफी अच्छी तरीके से समझते भी थे। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के इस महान कप्तान ने हार्दिक पांड्या की वापसी के ऊपर अपना एक बयान भी दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने अपने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया को यदि जीत हासिल करनी है तो जल्द से जल्द हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम में शामिल करना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हार्दिक श्रीलंका के खिलाफ अगली सीरीज का आईपीएल के बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले हैं, क्योंकि हार्दिक जैसा खिलाड़ी विश्व में बहुत कम मिलते हैं और अगर ऐसा खिलाड़ी किसी भी टीम के पास है तो वो टीम बहुत ही खुश नसीब है और हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे पास हार्दिक जैसे खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं उनको ज्यादा दिन तक टीम इंडिया से दूर नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या की वापसी के ऊपर अपना बयान दिया है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम का ये पूर्व महान कप्तान उनसे काफी प्रभावित है। वैसे आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ अगली सीरीज में भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को।